हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ईद स्पेशल कुर्ता की कटिंग करना बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको ऊपर कपड़े को सीधा करने के लिए निशान को लगा लेना है। फिर आपको कुर्ते की लंबाई का निशान को लगा लेना है। फिर लंबाई वाले निशान को सीधा कर लेना है। फिर आपको 1.5 इंच कम करते हुए निशान को सीधा कर लेना है। फिर आपको ऊपर से 7 इंच पे निशान को लगा लेना है। फिर आपको 12 इंच पे निशान को लगा लेना है। फिर इन दोनों निशानों को सीधा कर लेना है। फिर आपको शोल्डर का निशान को लगा लेना है। फिर आपको सीने के चौथे हिस्से पे निशान को लगा लेना है। फिर आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा करते हुए निशान को लगा देना है। इसी तरह आपको पेट के चौथे हिस्से पे निशान को लगा लेना है। इसमें भी 1.5 इंच लूज रहेगा। हिप में भी इसी तरह आपको लगा लेना है नीचे। फिर इन दोनों निशानों को इसी तरह मिला देना है, क्रॉस कर देना है निशानों को। फिर आपको अंदर की ओर हल्का क्रॉस करते हुए आपको इस तरह निशान को लगा लेना है। फिर आपको आर्म होल के लिए 1/2 इंच कम करते हुए निशान को लगा देना है। फिर आर्म होल का राउंड लगा देना है निशान। फिर आपको 1.5 इंच कंधे को उठाते हुए निशान को लगा लेना है। इस तरह आपको शोल्डर को सेंटीमीटर में निशान को लगा लेना है। ऊपर से आपको 3.5 इंच पे निशान को लगा लेना है। इस तरह आपको हल्का राउंड करते हुए निशान को लगा देना है। फ्रंट पीस के निशान लग चुके हैं, चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। बैक पीस वाले कपड़े पर आपको फ्रंट पीस को रख देना है। फिर आपको हल्के से नाखून मारते हुए कपड़े को बैठा लेना है बराबर करते हुए। फिर आपको ऊपर निशान लगाने लेना है। इसमें आपको 1/2 इंच पे निशान लगाएगा। इसमें आपको 1 इंच पे निशान लगाना है। फिर आपको इस तरह सेफ करते हुए निशान को लगा देना है। फिर आपको शोल्डर का निशान लगा लेना है। फिर आपको बैक में हल्का सा सेफ देते हुए निशान को लगा देना है। फिर आपको शोल्डर के सेंटीमीटर में निशान को लगा लेना है। फिर आपको लगभग आपको 1 इंच डाउन करते हुए निशान को हल्का सा राउंड करते हुए निशान को लगा लेना है। बैक पीस के निशान लग चुके हैं, चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऊपर से आपको 6.5 इंच पे निशान को लगा देना है कट को। फिर आपको 6.5 इंच की पॉकेट के लगा निशान लगा लेना है। फिर आपको 1.5 इंच पे निशान को लगा लेना है। फिर इन सभी निशानों को हल्के हल्का कट कर देना है लगभग 1/2 इंच। आस्तीन के लिए आपको सीने के चौथे हिस्से को आपको देख लेना है, चौथा हिस्सा आ रहा है कि नहीं।
सीने के चौथे हिस्से के लिए कपड़ा बिछा देना है। फिर आपको एक ऊपर सीधा करने के लिए निशान को लगा लेना है। फिर आपको 3.5 इंच पे निशान को लगा लेना है। इसी तरह इन दोनों निशानों को सीधा कर लेना है। फिर आपको हल्का राउंड करते हुए आपको निशान को लगा लेना है। फिर आपको स्लीव्स के लेंथ की नाप लगा लेना है, जितनी लेंथ है। फिर निशान को सीधा कर लेना है। फिर आपको आगे की मोहरी का निशान लगा लेना है। फिर आपको 1/2 इंच का मार्जिन को निशान को लगा लेना है इसी तरह। फिर आपको क्रॉस वाली स्केल से आपको इस तरह मिला देना है आपको। हमारे स्लीव्स के निशान लग चुके हैं, पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आप अगर कोट की कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं, कोट पैंट शर्ट, तो एंड स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, आप उस पर जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी लिंक होगा, देख सकते हैं आप। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।